हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आज का ब्लॉग है, आज मतलब तीज आ रहा है और लेडीज लोग को तो पता ही होगा कि तीज क्या होता है, जेंट्स लोग को तो पता नहीं होगा क्योंकि जेब खाली होता है, शॉपिंग करवानी पड़ती है वाइफ को। तो फाइनली तीज आ रहा है और इसी मंथ तीज है, अगस्त में तीज है और ज़्यादा दिन बचे, 7 days बचे हैं, तो मुझे शॉपिंग करनी है। तो आज शॉपिंग का फर्स्ट डे है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज साड़ी पहनती है तीज के दिन और सिंगार करती है, सजना संवरना। और आप लोगों को तो पता ही होगा मुझे सजना संवरना कितना पसंद है। तो और मैंने सॉरी अभी जन्माष्टमी का ब्लॉग नहीं डाला है, वो भी मेरा इनकम्प्लीट है, वो भी मैं ब्लॉग डालूंगी, आप लोग प्लीज़ देखना। और ये ब्लॉग थोड़ा लंबा नहीं होगा, थोड़ा छोटा ही होगा क्योंकि मुझे तीज के लिए आज शॉपिंग करने जा रही हूँ और मैं देखिए रेडी भी हो गई हूँ अभी ही, और मैं जा रही हूँ अपने लिए साड़ी खरीदने। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं साड़ी कहाँ से खरीद रही हूँ और कैसे खरीद रही हूँ। अभी वो सस्पेंस होगा कि मैं साड़ी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरा सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, मैं दिखा दूंगी क्या पहनने वाली हूँ। तो मतलब मैं शॉप ही दिखाऊंगी कि मैं कहाँ से बाय कर रही हूँ। तो आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू रहेगा और प्लीज़ कहीं भी जाएगा नहीं। तीज का फेस्टिवल पति के लिए होता है, पति की लंबी आयु के लिए होता है, जिसमें लेडीज़ पत्नी धर्म पत्नी लोग अपने पति क्या बोलते हैं उसको, अपने स्वामी के लिए व्रत करती है, जिसमें वो उपवास करती है, निर्जला उपवास करती है। तो उस दिन पानी बिल्कुल भी पिया नहीं जाता है और मैं पानी के बिना तो रह ही नहीं पाती हूँ। तो देखती हूँ कि अगली नेक्स्ट बार मैं तीज कर रही हूँ तो मुझे तो चक्कर आ रहे थे। इस बार मैं देखती हूँ भगवान भोलेनाथ ये मुझे ये तीज का व्रत पार लगा दे, क्योंकि इसमें पानी भी बिल्कुल पिया नहीं जाता और बॉडी के लिए तो वाटर बिल्कुल मस्ट नीड होता है। और सारे उपवास पति के लिए होते हैं, पत्नियाँ के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो आप लोग को पता ही होगा। तो हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट के पास, जहाँ हम लोग हमेशा यहाँ से लिफ्ट लेते हैं और फिर नीचे जाएंगे। और हम लोग आ गए नीचे पार्किंग के पास, यहाँ हम लोग हमेशा यहीं पे कार पार्क होती है हमारी। देखो बेटा, आओ देखो, दिखाओ दिखाओ, क्या दिखा रहे हो? सीधी निकल रहा है साइज शॉर्टोश। ओए हीरो, बिजी है बस में बैठी हो कभी ये सब? बस में देखो तो उधर नहीं, हम नहीं बैठे हैं। चलो बैठाएंगे किसी, नहीं बैठना है हमको। क्यों? पसंद नहीं है हमको। क्यों नहीं पसंद है? क्या प्रॉब्लम है उस बस में? तू भी तो बोले थे नहीं बैठना है बस में तुमको। क्यों नहीं बैठना है? मेट्रो में बोले थे नहीं बैठना है तुमको, मेट्रो में सब चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना। बस अजीब वाले खुद ही बोलते हो नहीं बैठे या फिर बोलते हो बैठना चाहिए। धूप कितना अच्छा है। तो ये आ गए हम लोग साड़ी का शॉपिंग करने। ये है हमारा शॉप जहाँ से मैं साड़ी के शॉपिंग करूँगी। और आज ये काफ़ी भीड़ है, रस है यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है?
हमारी गाड़ी पार्क यहाँ नहीं हो रही है तो ये थोड़ा आगे जा रहे हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा मतलब शॉप ही अच्छा शॉप है, यहाँ पे सारी कलेक्शन बहुत होती है। ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ मिलती है। यहाँ साड़ी का स्टार्टिंग प्राइस 10K से है और बहुत हायर कॉस्ट का यहाँ पे साड़ी मिलती है। ये यहाँ से मैं हमेशा यहीं से साड़ी लेती हूँ, यहाँ से मैं 4-5 साड़ी ले गई हूँ। अभी अंदर अभी नहीं गई हूँ, वो उनका गाड़ी तो पार्क करके आएंगे फिर हम लोग अंदर जाएंगे। ये शॉप कांचीपुरम साड़ी सेल के लिए ज़्यादा फेमस है, साउथ में लोग यही साड़ी ज़्यादा पहनते हैं और गणेश चतुर्थी भी है इसलिए ज़्यादा ही रस है। और स्लीपर पहन के अंदर शॉप के अंदर अलाउ नहीं है, आपको बाहर ही खोलना पड़ता है ताकि अंदर गंदगी ना हो। तो हम लोग जा रहे हैं अपने स्लीपर खोलने के लिए। यहाँ पे शू रैक बने हुए हैं, इस साइड में डाल दीजिए। क्या झोला में डालना है क्या? ये देगा ना झोला। बहुत ही बिग प्रॉब्लम है स्लीपर खोल के अंदर जाना। कौन साइड में? यहाँ पे लोग ज़्यादा ही क्लीनिंग का ख्याल करते हैं, मतलब साउथ में लोगों को ज़्यादा गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। और यहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉप का बहुत ही अच्छे से मतलब आप देख के समझ ही सकते हो डेकोरेशन। कुछ नहीं होता था इधर, अब बड़ा बहुत आदमी आ गया था। और ये शॉप बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसके जस्ट एक न्यू शॉप खुला है मुक्ता, हम लोग वहाँ पे गए थे बट वहाँ सारे कलेक्शन ज़्यादा नहीं है। और ये शॉप से मैंने बहुत सारे ली है तो ये मुझे आइडिया है, यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के साड़ी मिलते हैं। और ये बहुत ही बड़ा शॉप है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे तो ये शॉप बहुत पसंद है। अगली बार भी था ना ये ज्वेलरी का यहाँ साइड था, वो वाला शॉप से अच्छा है ना जो उस दिन गए थे। लोग अब ऊपर जाएंगे और अच्छा भी तो है, देख के पसंद भी नहीं। यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग तो 10K से है ही और हाईएस्ट 1-1.5 लाख तक सारी जाती है। मुझे ये साड़ी मुझे पसंद नहीं आई थी, मैं बस देख रही थी किस टाइप की है। ये मेरे हस्बैंड को थोड़ा ठीक लग रही थी बट मुझे नहीं, क्योंकि मेरे पास इस टाइप की है। और ये दोनों मुझे साड़ीज दिखा रहे थे और ये बंदा जो है बैठा हुआ ये बिहार का ही था, मुजफ्फरपुर का। और हम लोगों ने साड़ी खरीद के नीचे आ गए और ये है बिल काउंटर, ये पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे आए थे। और हमारी शॉपिंग हो गई, हम लोग कार जो पार्क किया था वॉचमैन से गाड़ी की की मांग रहे थे। और ये साइरस शॉप में ज़्यादा ही बदमाशी कर रहा था। अगर मैं तो कहूँगी कि अगर आप साउथ से हो और आपको साड़ीज़ कलेक्शन चाहिए तो आप ये शॉप पे ज़रूर आना, बड़ा महालक्ष्मी, बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन यहाँ रहते हैं। और जयनगर में ये मार्केट है, ये शॉप है, बहुत ही अच्छा शॉप है ये। तो उसके बाद हम लोग को रास्ते में बेबी किड्स प्लेइंग एरिया दिखा,
जो ये भी नया ही खुला है, तो हम लोगों ने सोचा कि शायद इसको यहाँ पे कुछ टॉयज से इंटरटेनमेंट कराया जाए। बट जैसे ही हमारी एंट्री वहाँ हुई, वहाँ रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ पे 3 इयर्स के बच्चे ही अलाउ हैं, तो हमारा मूड ऑफ हो गया। तो हम लोगों ने अंदर से रिटर्न हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 से 15 या 80+ ही बच्चे अलाउ थे। मतलब मैं सोची चलो साइरस नहीं तो मैं तो थोड़ा इंटरटेनमेंट करूँगी, बट संजू की 18+ ही है। उसके बाद हम लोगों ने अंदर से घूम घाम के हम लोगों ने अंदर का नज़ारा देखा, जो काफ़ी ही अच्छा था। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे, मुझे भी थोड़ा मन कर रहा था देखने में, बड़े बच्चे लग रहे थे। और मजाक कर रही हूँ, वैसे तो मैं बच्ची हूँ ही। उसके बाद हम लोग थके हारे हम लोग गए रेस्टोरेंट में, अंधेरी रेस्टोरेंट जो जहाँ बिल्कुल अंधेरा सा था, मतलब लाइट्स इतनी देर लग रहा था, एक थोड़ा बिजली की कमी है। ये क्या सर? तो आज का ब्लॉग यहीं तक, और मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूंगी मेरे चैनल पे।